मैंने देखी एडम प्रोजेक्ट। तो भाई इस मूवी में सब कुछ मिलेगा जो कि बॉलीवुड फिल्म में देख सकते हैं, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, लव। वेल इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स को छोड़ के मैं कोई स्पेशली बताऊंगा कि अच्छा लगा कि ये मूवी तो दो कैरेक्टर की बॉन्डिंग जो कि फ्यूचर से होता है और पास्ट से मिलता है, और इस पूरी मूवी में साइंस फिक्शन मतलब टाइम ट्रैवल पे बेस्ड है। तो जिसने भी इस मूवी को नहीं देखा है वो नेटफ्लिक्स में जाके देख लो, हिंदी में तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे, क्योंकि इस वीडियो में कुछ स्पॉइलर हो सकते हैं। अगर वीडियो देख लिए हो तो कमेंट करके बताओ कि मूवी कैसी लगी। वेल इसकी स्टोरी की बात करें तो कुछ नया नहीं है, पर नया जैसा लगता है, क्योंकि टाइम ट्रैवल मूवी किसे पसंद नहीं। इसकी मूवी की स्टार्टिंग में पता चलता है कि टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट है, और इसकी स्टोरी 2050 के एडम रीड एक्सीडेंटली क्रैश होता है 2022 में, जहां वो मिलता है 12 साल के लौंडे से, और वो 12 साल का लौंडा एडम रीड की मदद करता है दुनिया को बचाने में। वेल ज्यादा स्टोरी नहीं बताऊंगा तो मूवी देखने का मजा नहीं है, ये लाइन सिर्फ जिसने मूवी नहीं देखी उसके लिए, और वो लौंडा कौन है तुमको इस मूवी में पता चल जाएगा। अगर हम हिंदी डबिंग की बात करें तो एक नंबर डबिंग की गई है, हर एक कैरेक्टर की डबिंग बहुत ही अच्छी है, कुछ की फेवरेट भी है। जिसने मूवी देख ली है उसे पता होगा, तो वीडियो को करो लाइक। अगर हम एक्टिंग के बारे में बात करें तो इस मूवी में मार्वल के सभी फ्रेंचाइजीज एक्टर मिल जाएंगे, जैसे डेडपूल, गमोरा, हल्क। मेरे को इस मूवी में एक्टिंग रायन रेनॉल्ड्स की अच्छी लगी थी, क्योंकि मैंने इससे पहले नेटफ्लिक्स में सिक्स अंडरग्राउंड देखी थी, और उस मूवी को देखने के बाद मेरे को मजा ही आ गया था, और तुम इस मूवी को देखने के बाद तुम डिसअपॉइंट नहीं होगे। अगर हम विजुअल इफेक्ट की बात करें तो पूरी बॉलीवुड फिल्मों में से बहुत अच्छा था विजुअल इफेक्ट का। अगर हम बात करें स्पेस फॉर्म वाला सीन हो, या स्पेस क्राफ्ट चेजिंग सीन हो, या विलन को डस्ट में गायब होने वाला सीन हो, बहुत इफेक्ट था और क्लियर था। तो एडम प्रोजेक्ट के डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट किया शेवन लेवी ने। मैं बता दूं शेवन लेवी ने ब्लॉकबस्टर जैसी मूवी दे चुका है पहले ही, जैसे फ्री गाय, स्ट्रेंजर थिंग, नाइट एट द म्यूजियम जैसी मूवी को डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया है, और ये मूवी को सिनेमाटोग्राफी भी बहुत अच्छी है, खासकर वो वाला सीन जहाँ पे स्पेस चेजिंग सीन होता है ना, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। तो मेरे को पूरी मूवी में दो सीन अच्छी लगी, एक जंगल में कार चेजिंग सीन, और जहाँ पे 12 साल के लौंडे ने डायलॉग मारा था सुपर हीरो लैंडिंग, वो सीन देखने के बाद मेरे को मजा ही आ गया था। तो मेरे हिसाब से ये मूवी बस एक एंटरटेनमेंट के लिए देखो, और जिसको टाइम ट्रैवल जैसी मूवी अच्छी लगती है उसे ये अच्छी लगेगी। इस मूवी में एक बार वाला सीन है जहाँ फ्यूचर एडम रेड अपनी माँ से बात करता है, वो सीन अच्छा लगा, और जहाँ एडम रेड अपने फादर से बात करता है वो सीन इमोशनल हो सकते हो तुम, अगर इमोशनल बंदे हो तो। अगर तुम लोग ये मूवी देख लिया है तो कमेंट करके बताओ कि इस मूवी में रेफरेंस था कि नहीं। मेरे को कुछ कुछ सीन में ऐसा लगा कि ये रेफरेंस दे रहा है, जैसे डेडपूल का, टर्मिनेटर का, बैक टू द फ्यूचर टाइप का। तो बस यार इस मूवी को देखने के बाद मैंने अपना ओपिनियन बता दिया, तुम लोग बता सकते हो अपना ओपिनियन कमेंट करके कि मूवी कैसे लगी। वेल होप यू गाइस वीडियो अच्छा लगा तो कर दो सब्सक्राइब। अगर तुम जानना है कि मून नाइट कौन है तो इस वाले वीडियो को जाके देख सकते हो, या फिर इस वाले वीडियो में जाके देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द मूवी। टिल देन स्टे सेफ।